जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग 1857 के विद्रोह का विश्लेषण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये जो 1857 का विद्रोह शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ये विद्रोह का मतलब क्या होता है? तो हम लोग विद्रोह देखते हैं, क्रांति देखते हैं, साथ ही साथ हम लोग आंदोलन, इन तीनों शब्दों के बीच आखिरकार अंतर क्या है? तीनों का अलग अलग कंसेप्ट है, तीनों में अंतर होता है, तो पहले उसको देखते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग पहले आंदोलन को देख लेते हैं, फिर विद्रोह और क्रांति को देखेंगे। देखिए, आंदोलन यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं मूवमेंट। ये होता क्या है? इसमें कोई बड़ा मुद्दा होता है या फिर किसी व्यापक हित से संबंधित मुद्दा होता है, बहुत सारे लोगों को प्रभावित करने वाला मुद्दा होता है, और वह मुद्दा किसी सरकार से या किसी शासक से कुछ बात को मनवाने के लिए उस मुद्दे को उठाया जाता है। मतलब इसका ये हुआ कि कोई शासन कर रहा है और अगर हमें कोई बात उससे मनवानी है तो हम लोग उसके लिए आंदोलन कर सकते हैं। जब इसमें एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक से ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन आंदोलन में मुख्यतः अधिक व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों का एक समूह होता है और वो आंदोलन चलाते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में कई सारे आंदोलन चले, जैसे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन का क्या मतलब होता है? कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय कोई भी उनके आज्ञा को न माने, यानी उनका सहयोग न करे, उनके कामों में सहयोग न करे। उन्होंने जो कानून बनाया हुआ है उसका उल्लंघन होगा, हम उसकी बात को मानेंगे ही नहीं, तो उसको बोलते हैं आंदोलन। ये हिंसक भी हो सकता है और अहिंसक भी हो सकता है। आपने देखा, शुरुआत तो इसका अक्सरहा अहिंसक होता है, लेकिन बाद में वह हिंसक भी हो जाता है। चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, आंदोलन में कोई ना कोई परिवर्तन आता जरूर है। अब देखिए, विद्रोह, विद्रोह क्या होता है? विद्रोह अचानक प्रस्फुटित होता है, एकदम जल्दी अकस्मात पैदा होता है। ये किसी व्यक्ति का विरोध करने के लिए हो सकता है, किसी संस्था का विरोध करने के लिए हो सकता है, किसी पद का विरोध करने के लिए हो सकता है, किसी सरकार का विरोध करने के लिए हो सकता है, यानी कि इसमें विरोध किया जाता है। विरोध किस चीज़ का? उसका आज्ञा नहीं मानेंगे, उसके कानून को फॉलो नहीं करेंगे, बागी, जिसको बोलते हैं बागी हो जाना। विद्रोह का मतलब गदर भी होता है, और जो इस काम को करते हैं उसको विद्रोही कहते हैं। जैसे आंदोलन को जो करते हैं उसको बोलते हैं आंदोलनकारी, और जो विद्रोह करते हैं उसको विद्रोही कहते हैं, इसको बागी भी कहते हैं। इसमें अक्सरहा हिंसा का ही सहारा लिया जाता है, विद्रोह में हिंसा का सहारा लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन होता नहीं है परिवर्तन। ये अचानक से पैदा होता है और एक समस्या अलग ही दूसरी समस्या क्रिएट कर देता है। इसको क्या किया जाता है कि अक्सरहा सरकार इसको दबा देती है, इसका परिणाम कुछ निकलता नहीं है, बस अचानक से ये पैदा होता है और उसको दबा भी दिया जाता है, उसका परिणाम कुछ निकल नहीं पाता है, ये समाधान नहीं दे पाता है। जैसे 1857 की क्रांति, आपको पता है कि इसमें कुछ व्यक्ति शुरुआत करने वाले थे, बाद में बहुत सारे व्यक्ति इसमें जुड़ गए और उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन अंग्रेजों ने उसको दबा दिया था। हालांकि बाद में ये कुछ ना कुछ आंशिक रूप से ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत सफल भी हुआ था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी असफल हो गया था, इसका परिणाम कुछ बड़े थे। तो इसको कहते हैं विद्रोह। तो विद्रोह आप समझ गए, जैसे संथाल विद्रोह हुआ, जैसे कोल विद्रोह हुआ, जैसे किसानों का भी विद्रोह हुआ, मोपला विद्रोह होता था, सन्यासी विद्रोह हुआ, बहुत सारा वेलू टंपी विद्रोह हुआ, वो सब विद्रोह हुआ। देखेंगे कि एक व्यक्ति या एक व्यक्ति का छोटा समूह इसको करता है और इसमें वो अंततः असफल ही हो जाते हैं। तो आपने विद्रोह समझ लिया, अब क्रांति समझ लिए। क्रांति जो होता है ना, बड़े पैमाने पर जब आंदोलन को चलाया जाएगा और जब उसका कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा और वह परिणाम अक्सरहा सकारात्मक ही होता है, तो उसको बोलते हैं क्रांति। क्रांति हमेशा एक योजनाबद्ध तरीके से होता है, उसका एक डायरेक्शन होता है, उसका एक दिशा होता है, उसमें किसी न किसी समस्या का समाधान सुझाया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रांति। इसमें ज़्यादा लोग भाग लेते हैं, बड़े पैमाने पे लोग भाग लेते हैं,
तो आपने देखा कि रूस में भी क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, उद्योग धंधा में जब क्रांति होता है तो औद्योगिक क्रांति बोलते हैं उसको। कृषि क्षेत्र में जब क्रांति होगा, कृषि में अचानक उत्पादन ज़्यादा होने लग गया और लोगों की स्थिति ठीक होने लगी, कृषि क्रांति हो गया। औद्योगिक क्रांति में देखेंगे कि नए नए मशीनें बनने लगी, उत्पादन ज़्यादा होने लगा, है ना, बड़े पैमाने पर होने लगा, पूंजीवाद का विकास होने लगा। अब देखेंगे कि इससे व्यापार में उन्नति हो गई तो उसको बोलेंगे औद्योगिक क्रांति। तो आपने देखा भारत में भी हुआ था हरित क्रांति, आपने पता है कि गेहूं के पैदावार में अचानक अधिक वृद्धि हुई और उससे बड़ा परिणाम निकला, देश में खाद्यान्न की समस्या का समाधान हुआ, हम आयातक से सीधे निर्यातक बन बैठे, मतलब एक बड़ा बदलाव आया, तो उसको बोलते हैं क्रांति। क्रांति जो होता है ना, जो करते हैं उसको बोलते हैं क्रांतिकारी। अब ये क्रांति सिर्फ राजनैतिक नहीं होता है, ये आर्थिक भी होता है, जैसे आपने देखा औद्योगिक क्रांति, कृषि क्रांति, यह सामाजिक भी हो सकता है, समाज में बड़े पैमाने पर बदलाव ला देना एक सामाजिक क्रांति हो जाता है। तो आपने देखा कि इस तरह से अंतर है तीनों में। तो आपने आंदोलन को समझ लिया, क्रांति को समझ लिया, विद्रोह को समझ लिया। आंदोलन में क्या होता है, कोई बात मनवाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है, लोगों को उद्वेलित कर दिया जाता है। जैसे गांधी जी भारतीय को कहते थे कि देखो तुम लोग क्या करो कि अंग्रेजों के साथ सहयोग मत करो, उसको किसी काम में सहयोग मत करो, मतलब उसके साथ असहयोग कर दो, तो ये हो गया। विद्रोह में क्या होता है, विरोध करना एक तरह से देखा गया, छोटे पैमाने पे होता है, इसको दबा भी दिया जाता है। क्रांति में क्या होता है, एक बड़े पैमाने पे होता है और बड़ा बदलाव लाता है, योजनाबद्ध तरीके से होता है, तो इसको आपने समझ लिया है। अब आप 1857 के विद्रोह के कारणों को समझिए। देखिए 1857 के जो विद्रोह हुए थे उसके पीछे मुख्यतः दो कारण माने जाते हैं, एक दीर्घकालिक कारण, एक तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण तो आप समझते हैं, चर्बी वाला कारतूस ने भूमिका निभाया था। दीर्घकालिक कारण में कुछ आर्थिक कारण होंगे, कुछ सामाजिक कारण होंगे, कुछ राजनीतिक कारण होंगे, कुछ धार्मिक कारण है, कुछ प्रशासनिक कारण है और कुछ विदेशों का भी प्रभाव भारत के ऊपर पड़ता है इस विद्रोह को लेकर के। तो हम लोग एक एक करके सबको समझेंगे। पहले इसके पृष्ठभूमि को समझिए कि धीमी गति से जो लगातार भारतीयों के अंदर में जो विद्रोह पनपते जा रहा था, वो बढ़ते जा रहा था, वो एक न एक दिन विस्फोट होना ही था। बारूद धीरे धीरे इकट्ठा हो रही थी, बस एक चिंगारी लगने की जरूरत थी और चिंगारी चर्बी वाले कारतूस ने लगा दिया और विद्रोह हो गया था। तो पहले आप देखिए, अंग्रेज जब आए थे भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया कुछ व्यापारियों ने मिलकर और वह भारत में एंट्री मार लिया 1608 में। 1600 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया, 1608 में वो कैप्टन हॉकिंस के दरबार में उपस्थित हुए और वहां से उन्होंने व्यापार करने की अनुमति मांगी और धीरे धीरे भारत के बाकी जो खिलाड़ी थे जो पहले से मौजूद थे भारत में, चाहे वो डच हो या फिर फ्रांसीसी हो, या फिर फ्रांसीसी तो बाद में आएंगे, वो डच है होंगे, पुर्तगाली होंगे, उन सबके साथ वो सामना उनका होता है और अंत में एक ही खिलाड़ी बचता है सर्वे सर्वा, वो होते हैं अंग्रेज। और अंग्रेज जो है वह व्यापार में भी एक तरह से एकाधिकार कर लेते हैं और भारत में शासन स्थापित करने की शुरुआत करते हैं और एक शासक बनने की कोशिश करते हैं। भारत की जो तात्कालिक परिस्थिति उस समय थी, आपस में एकता नहीं था और लोग एक राष्ट्रवाद की भावना भी नहीं थी, लोग एक राष्ट्र होकर के सोचते नहीं थे और उस तरह से देशभक्ति भी नहीं था, वो अपने छोटे क्षेत्रों को ही देश समझते थे और उसी का भक्ति करते थे, वो एक बड़ा सा राष्ट्र के रूप में ऐसी कल्पना वो नहीं करते थे, जिसके कारण अंग्रेजों ने इसका लाभ उठा करके बड़ी आसानी से वह राजाओं को हराते गया और धीरे 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 वो एक बड़ा क्षेत्र पे अधिकार कर लिया। आपको पता होगा कि 1757 आते आते तक उसने कुछ क्षेत्रों पे अधिकार किया था। 1757 में उसने एक युद्ध लड़ा था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया प्लासी के युद्ध में और उसने बंगाल पर अधिकार कर लिया था, और बंगाल पर अधिकार करने से उसे बहुत रिसोर्स मिला जिसका इस्तेमाल वह छोटे छोटे विद्रोह को दबाने के लिए कर रहा था। साथ ही साथ 1764 में वह बक्सर का युद्ध लड़ता है। 1764 में बक्सर का जब युद्ध होता है तो वह बंगाल का अबदस्त नवाब मीर कासिम को भी हरा देता है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को हरा देता है और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को भी हरा देता है और वह
बक्सर वाला एरिया में यानी पूरे बंगाल में वह राजनीतिक अधिकार जमा लेता है और उसके बाद शोषण करने की शुरुआत करता है। वो धीरे धीरे भारत के उद्योग धंधे को वह नष्ट करना शुरू करता है। यहाँ के जो शिल्प जो इंडस्ट्री है, यहाँ के जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसको वह बर्बाद कर देता है इंग्लैंड को आबाद करने के लिए। और धीरे 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 उसका पकड़ और मजबूत हो जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ के किसान निर्धन हो जाते हैं। वह भारत को एक प्रयोग स्थली बना देता है। भारत को रॉ मटेरियल वाला एक जगह बना देता है जहाँ से मटेरियल को लूट करके इंग्लैंड को संपन्न बना रहा होता है। और भारत के जनजीवन में वह इंटरप्शन कर देता है। भारत के प्रायः प्रत्येक क्षेत्रों में, भारत के लोगों के प्रत्येक क्षेत्र में वह इंटरप्ट करता है। भारत के धर्म को प्रभावित करने लगता है, अर्थव्यवस्था को तो प्रभावित कर ही रहा था, राजनीति को तो प्रभावित कर ही रहा था। वह भारत के प्रशासनिक व्यवस्था, भारत के जो ताना बाना था, जो बहुत ही बेहतर था, उसको वो छिन्न भिन्न कर देता है। भारत की संपन्नता को विपन्नता में बदल देता है। यहाँ के जो संपन्नता थी उसको विपन्नता में बदल देता है, निर्धनता ला देता है भारत के अंदर में। और इससे लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा नाराजगी पनपती है। वह नाराजगी धीरे धीरे इकट्ठा होकर के 1857 में विद्रोह का रूप ले लेता है और तब विद्रोह होता है। देखिए, इसके पीछे का सबसे पहला कारण हम देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है, क्योंकि यह सीधे जीवन से जुड़ा होता है। देखेंगे आर्थिक कारण में ब्रिटिशर्स जो होते हैं वह भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर देते हैं। भारत का जो कुटीर उद्योग है, भारत का जो हस्तकरघा उद्योग है, उसको वह नष्ट कर देता है। भारत को वह सिर्फ रॉ मटेरियल का एक प्लेस बना के रखता है। इसको ऐसा उपनिवेश बनाता है कि खाली रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करे और उसका इस्तेमाल वह इंग्लैंड में जाके मैन्युफैक्चरिंग करके और फिर उसको बना के और उसका वैल्यू एडिशन करके वो भारत में आकर के उसको बेच दे, इससे उसको अधिक लाभ मिलेगा। तो वो यही काम कर रहा था। उसने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई थी। उसने क्या किया था कि भारत का जो माल ब्रिटेन में बिकने जाता था उस पर वो बहुत टैक्स लगाता था। भारतीय व्यापारियों को उसने नष्ट कर दिया, भारतीय शिल्पकारों को उसने बर्बाद कर दिया। और चूंकि ज़्यादा टैक्स लगता था, जिसके कारण वहाँ पर वो सामान बहुत महंगा हो जाता था, बिक नहीं पाता था। और इंग्लैंड का सामान जब भारत में आता था बिकने के लिए, उस पर बहुत सस्ता उसको बेचा जाता था। मुक्त व्यापार की नीति, उसको इतना सस्ता बेचा जाता था कि भारत में उसी का सामान बिकेगा। और चूंकि हैंडमेड से ज़्यादा जो है अच्छा मशीन के द्वारा बनाया हुआ, उसका अच्छी बुनाई होती थी, इसलिए भारत में उनका सामान बिक रहा था। भारत का उद्योग धंधा ऐसे ही नष्ट होने लग गया। वो देखेंगे कि कपड़ा पे एक तरह से एकाधिकार ही कर लेता था। कॉटन के इंडस्ट्री और सिल्क इंडस्ट्री को उसने खूब बढ़ाया और भारत के अंदर के जो हस्तशिल्प थे उसको बर्बाद कर दिया। उसने क्या किया कि रेल सेवा की शुरुआत की, उसने डाक सेवा की शुरुआत की, सड़कें बनवाया। इस ये जितने भी चीज़ों को बनवाता है, इससे भारत को लाभ नहीं मिलता है, लाभ मिलता है ब्रिटिशर्स को ही। कैसे लाभ मिलता है? वह रेलवे के द्वारा अपने वस्तुओं को दूर दराज क्षेत्रों में भी भेज सकता था, ग्रामीण क्षेत्रों में भी भेज सकता था, वहाँ उसको बेच सकता था। कभी अगर कहीं विद्रोह हुआ तो अपने सेना को भी रेलवे के द्वारा भेज सकता था। डाक तार व्यवस्था से वह एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था बना लिया और वहाँ से वह पूरे भारत में शासन कर सकता था। डाक तार व्यवस्था से उसको एक ये फायदा भी था। तो आपने देखा कि रेलवे हो या डाक तार सेवा हो या सड़क वगैरह, वो बनाने के पीछे अंग्रेज का औपनिवेशिक सोच ही था और भारत का शोषण करना उनका मेन कोर कंसेप्ट हुआ करता था। उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बना दिया। वो आपको पता है ना, भारत में खुद ही एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी कि भारत के लोग संपन्न थे, लेकिन उस व्यवस्था को उसने छीन भिन करके अपनी व्यवस्था भारत के ऊपर लाद दिया था। इसके कारण भी विद्रोह हुआ। साथ ही आपने देखेंगे कृषि के क्षेत्र में उसने ऐसा ऐसा प्रयोग किया कि भारत की कृषि ही बर्बाद हो गई, यहाँ के किसान निर्धन हो गए। आप देखेंगे कि अस्थाई या जमींदारी बंदोबस्त करता है, यह लगभग 19% एरिया में लागू था। आप देखेंगे कि बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में जमींदारी प्रथा लागू थी। उसने एक अलग से जमींदार वर्ग पैदा किया, एक सामंतवादी व्यवस्था उसने पैदा कर दी। उसने कुछ लैंड लॉर्ड्स को पैदा किए, उसको जमीन दिया जाता था और उसको कहा जाता था कि जाकर के टैक्स वसूल के लाए, और जितना टैक्स वसूला जाता था उसका 10वां या 11वां हिस्सा वो रखते थे, बाकी हिस्सा अंग्रेज ले लेते थे। और इनको बहुत ही कठोर नियम के अंदर में काम करना पड़ता था। सूरज ढलने से पहले ही इनको लगान वसूल के देना पड़ता था और लगान की दर भी ज़्यादा होती थी। जो जमींदार उसको वसूल के नहीं देते थे निर्धारित समय के अंदर में, तो उसकी जमींदारी भी छीना जाती थी। इसलिए जमींदार भी अत्याचार करते थे किसानों के ऊपर। इस तरह से देखेंगे कि जमींदार और अंग्रेज जो दोनों ही भारत के
आम लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर अत्याचार करने लग गए थे। कुछ ऐसे ईमानदार जमींदार भी थे जो यहाँ के ताना बाना को अच्छी तरह समझते थे, उनकी जमींदारी छीन ली गई क्योंकि वो ज़्यादा अत्याचार नहीं कर सकते थे। अब आप देखेंगे कि एक व्यवस्था थी रैयत बाड़ी व्यवस्था। ये व्यवस्था में किसानों को मालिकाना हक तो मिलता था, लेकिन इसमें टैक्स का दर बहुत ज़्यादा होता था, 30-35%, कभी कभी 50-60% भी कर देता था। बहुत ही विचित्र स्थिति थी, उतना ज़्यादा टैक्स कोई दे नहीं पाता था। साथ ही कभी अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, ज़बरदस्ती टैक्स ले लेता था अंग्रेज। इससे किसानों के बीच में बहुत ही नाराजगी थी और किसान ने भी विद्रोह कर दिया था 1857 में। न केवल सैनिक बल्कि किसान ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। साथ ही साथ महलवाड़ी व्यवस्था थी, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। महलवाड़ी व्यवस्था वहाँ लागू किया गया जहाँ पर ये दोनों व्यवस्था फेल हो गया, जैसे पंजाब वाला एरिया में। और आप देखेंगे कि महलवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था कि एक पूरे गांव को या पूरे एक एरिया को उसको एक इकाई मान लिया जाता था और एक व्यक्ति से टैक्स नहीं लेकर के उसमें जितने व्यक्ति होते थे उससे सामूहिक रूप से एक साथ टैक्स लिया जाता था। इसमें बहुत भ्रष्टाचार होता था। इसमें क्या होता था कि अंग्रेज के जो ऑफिसर्स होते थे वो बहुत फ़ायदा उठाते थे, वो देखते देखते बहुत धनी बन गए थे और वो कंपनी को कम टैक्स भरते थे, बाकी पैसा भ्रष्टाचार करके अपने जेब में डाल लेते थे। तो अंग्रेजों ने इस चीज़ को देखा और वहाँ भी टैक्स का दायरा बढ़ा दिया, जिससे किसानों की स्थिति और ख़राब हो गई। इससे भारत की जो खेती किसानी थी वह बर्बाद हो गया। साथ ही साथ उन्होंने ऐसे इंडस्ट्रियल जो होता है, जो औद्योगिक जो फसलें होती है उसको उपजाना शुरू किया, जैसे कॉफ़ी, जैसे चाय, ऐसे चीज़ों पे वो ज़्यादा ध्यान देते थे और औने पौने दाम पे भारतीयों से खरीद करके यूरोपियंस कंट्री में बेच करके बहुत अधिक मुनाफा कमाते थे। साथ ही साथ अनऔद्योगिकरण, भारत का अनऔद्योगिकरण कर दिया। अपने देश में तो उन्होंने औद्योगिकरण किया था, मशीनें बनाई थी, बड़े पैमाने पर उत्पादन करते थे और भारत के उद्योग धंधा को नष्ट करके भारत को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तब्दील कर दिया। कहने का मतलब है कि भारत को सिर्फ कच्चा माल उत्पादक देश बना के उन्होंने छोड़ दिया। अकाल बाढ़ के समय, अकाल बाढ़ तो खूब आता था, उस पर वो लोग ध्यान भी नहीं देते थे और अकाल बाढ़ में बहुत सारी आबादी बर्बाद हो जाती थी, आदमी मर जाते थे उसमें, पशु मवेशी मर जाते थे। आप देखेंगे सूखा पड़ जाता था कभी कभी, कभी बाढ़ ही आ गया, उस पर वो ध्यान ही नहीं देते थे। इससे भारत के अंदर में निर्धनता और ज़्यादा बढ़ गई और भारत के धन को वो लूट लूट करके अंग्रेज में अंग्रेज जो है अपने ब्रिटेन में ले जा रहे थे। तो आपने देखा कि आर्थिक कारण में क्या क्या हो रहा था, तो इसको आप समझ गए। अब आप 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों को समझिए। देखिए राजनीतिक कारण में अगर आप देखेंगे तो इसमें बिलेजली की सहायक संधि, डलहौजी की व्यापगत नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको कहते हैं वो, और मुगल सम्राट का भेंट बंद होना और नाना साहब का पेंशन बंद होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें जो आप देख रहे हैं ना बिलेजली की सहायक संधि, बिलेजली की सहायक संधि एक ऐसी संधि थी कि उस समय जो भारतीय राज्य थे जिसमें राजा महाराजा का शासन हुआ करता था उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के लिए वो एक संधि करता था। संधि के तहत क्या करता था, कहता था कि हे भारतीय राजा, भारतीय राज, तुमको हम सहायता करेंगे, तुम्हारा मदद करेंगे, कोई युद्ध अगर तुमसे करेगा तो हमारा शत्रु होगा, तुम हमसे मित्रता कर लो और हमारा सेना जो है एक बहुत बड़ा एक टुकड़ी तुम अपने पास रखो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा और उस सेना का खर्च कौन उठाएगा, तुम उठाओगे। यानी जो भारतीय राज्य थे वो उसको खर्च उठाएंगे। बड़े जो राज्य होते थे वह या तो कोई क्षेत्र दे देते थे जिस पे टैक्स वसूलते थे अंग्रेज, या नहीं तो छोटे छोटे राज्य जो होते थे वो नगद पैसा देते थे, लगभग 30-35% उनका कमाई का वो बैठे बैठे खा पी जाते थे, जो सेना होते थे जो अंग्रेज उनके यहाँ तैनात कर देते थे और वो मजबूरी में देशी राज्यों को, भारतीय राज्यों को लेना भी पड़ता था। इससे उनकी संप्रभुता खत्म हो गई, वो विदेशी कोई तरह का समझौता नहीं कर सकते थे बिना अंग्रेज के पूछे हुए, और अंग्रेज से अगर नाराजगी भी हुआ तो अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके सर पे ही सेना बैठा हुआ था। तो ये सब चीज़ जो है भारतीय राज्यों को नाखुश कर दिया और उनकी संप्रभुता खत्म हो गई और वो धीरे धीरे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिए गए। और ऐसे संधि करने वाले लोग हैदराबाद के, मैसूर के, तंजौर के, अवध के, पेशवा के, सिंधिया, ये सब लोग थे और इन्होंने अपनी संप्रभुता खो दी। इससे नाराजगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई भारतीय राज्यों में कि अंग्रेज निश्चित रूप से हमें गुलाम बनाने के लिए आया है और हमारी पूरी व्यवस्था को चौपट करने के लिए आया है। इसलिए ये लोग भी जिनका राज्य हड़प लिया गया था वो भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे और वो 1857 के क्रांति में भाग भी लिए थे। अब आप देखेंगे कि डलहौजी की व्यापगत नीति, ये कौन सी नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स,
ये नीति ऐसी नीति थी कि इसमें कहा गया था कि जो भी राजवारे जिनका अपना खुद का पुत्र नहीं होगा उनको गद्दी पे नहीं बैठने दिया जाएगा, यानी कि जो दत्तक पुत्र होंगे गोद लिए हुए वाले वो उनको नहीं बैठने दिया, उनको राजा की मान्यता नहीं मिलेगा और उनके राज्य जो है वो सीधे कंपनी के अधिकार में चला जाएगा, सीधे कंपनी उस पर अधिकार कर लेगा। तो अब कंपनी के अंदर में चला जाएगा, तो ऐसे तो बहुत सारे राजवाड़े थे, अगर आप देखेंगे सतारा, जैतपुर, नागपुर, झांसी, सब जगह पे उनके जो जो राजवाड़े थे उनका जो है से अपना खुद ही पुत्र नहीं होता था। और ये बात डलहौजी को अच्छी तरह पता था, उसने सर्वे करवा के इस चीज़ को देख भी लिया था, उसने इसके आधार पर बाकी के राज्यों को हड़प लिया और उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में ला दिया, तो जिससे इनकी भी स्वतंत्रता खत्म हो गई और यही लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे भी। आपको पता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वो भी खड़ी हो जाती है क्योंकि उनके भी जो किला है उस पर अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं और ये बड़ी बहादुरों से लड़ते भी है और वीरांगना हो जाती है और इतिहास में प्रसिद्ध भी होती है, इसको हम लोग देखेंगे अभी आगे। साथ ही आप देखेंगे मुगल सम्राट आपको पता है कि 1857 के क्रांति में मुगल सम्राट को लोगों ने राजा बना दिया था विद्रोहियों ने, सिपाहियों ने, और उनके नेतृत्व में लड़ने की कसम खाई थी, हालांकि वो नेतृत्व नहीं कर पाया क्योंकि बूढ़े थे, और बख्त खां को बनाया गया था सेनापति, लेकिन अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किया मुगल सम्राट पे, इससे पहले भी कर रहे थे, और जो नाम मात्र के बेचारे मुगल सम्राट बचे हुए थे उसको पकड़ के उसने रंगून जेल में भी डाल दिया था, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी बहादुर शाह जफर का। तो आप देखेंगे उनका भेंट बंद कर दिया, राजा महाराजा बड़े बड़े भेंट लिया करते थे, कहीं ना कहीं से उनको कुछ ना कुछ मिलता था, उसको बंद कर दिया, तो ये तो एक इज्जत के साथ खिलवाड़ ही हो गया। उस समय भारत के अंदर में बहुत ऊंच नीच की भावना थी, जाति प्रथा थी, और इस तरह से भेंट स्वीकार करना वो अपने आप को सम्मानित करना समझते थे और एक तरह से अंग्रेजों ने उनका अपमान कर दिया, तो ये सब भी नाराज थे अंग्रेजों से। साथ ही साथ नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, ये पेशवा हुआ करते थे आपको पता ही है, तो बाजीराव के दत्तक पुत्र थे नाना साहब, इनका पेंशन भी बंद कर दिया, और पेंशन बंद करने से इनको भी नाराजगी था अंग्रेजों से और इन्होंने भी विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। साथ ही साथ अब आप देखते हैं धार्मिक कारण में आप देखेंगे सती प्रथा, एक भारत में चल रहा था सती प्रथा। ये सती प्रथा क्या होता है, इसमें जब पति मर जाते थे किसी सैनिक का, जैसे कोई सैनिक सेवा दे रहा हो या इस तरह से कोई आदमी हो जो राजा का महाराजा का सेवा में हो और वो मर जाता था, तो उसकी पत्नी को जबरदस्ती पकड़ के उनके साथ ही जिंदा जला दिया जाता था बांध करके, इसको बोलते थे सती प्रथा, उसको बोलते थे सती होना, यानी पति के साथ ही जल जाना, ये एक बहुत ही भयानक और एक विशाल कुप्रथा थी। इसको राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों विलियम बेंटिंक को कहकर के इस कुप्रथा को बंद करवाया था, इसका विरोध भी हुआ था, राजा राम मोहन राय का भी विरोध करने वाले बहुत लोग थे, अंग्रेजों का भी विरोध करने वाले बहुत लोग थे। उस समय जो समाज था वो दकियानुषित समाज था, देखिए कुछ चीज़ें जो समाज में बहुत पहले से चली आ रही है वो वर्तमान में बिल्कुल इरिलेवेंट हो चुकी है, उसका कोई मतलब नहीं रहा, वो अब आपको देखेंगे तो बिल्कुल बुरा लगेगा। उस समय के लिए वो ठीक रहा हो सकता था, लेकिन ठीक कैसे हो सकता था, किसी को आप जला देंगे, किसी का मानवाधिकार को हनन कर देंगे, वो ठीक तो नहीं ही था, लेकिन फिर भी भारतीयों को उद्वेलित करने के लिए और नाराज करने के लिए काफ़ी था, क्योंकि उस समय भी बहुत सारे ऐसे लोग थे दकियानुषी विचार के लोग, वो इस चीज़ को मानते थे और उनको लगा कि धर्म के मामले में अंग्रेज सीधे हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो वो लोग सीधे अंग्रेज के खिलाफ हो गए। साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह करने के लिए भी ईश्वरचंद विद्यासागर हो या और भी कुछ लोग हो, उन्होंने आंदोलन चलाया, अंग्रेजों ने विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून भी बना दिया, तो अंग्रेज जो है विधवा पुनर्विवाह के लिए जो कानून बनाया इससे भी नाराजगी हो गई, जो दकियानुषी विचार के थे, कहा कि विधवाओं को कैसे शादी, विधवा को लोग ये समझते थे कि विधवा जो होती है ना वो अगर हो जाए, किसी का पति मर जाए तो वह परिवार की संपत्ति रहेगी और परिवार का जीवन भर सेवा करेगी, लेकिन बेचारी का जिंदगी एकदम नर्क के समान बन जाता था, शादी जब नहीं होता था। आप सोच लीजिए किसी की शादी हुई और तुरंत वह विधवा बन गई, क्या स्थिति होगा। तो इसको भी भारतीय लोग ये समझते थे कि ये विधवा अगर हो गई है तो उसका ईश्वर की ही इच्छा है कि उसका विधवा होना, लेकिन अंग्रेजों ने उनके रीति रिवाज में, उनके धर्म में, उनकी संस्कृति में एक तरह से हस्तक्षेप कर दिया, तो यहाँ के कुछ दकियानुषी लोग भी अंग्रेज के खिलाफ हो गए। उसी तरह से आप देखेंगे बाल विवाह को रोक दिया, उसने कानून बनाया, आप देखेंगे कि शारदा एक्ट भी आता है, आप देखेंगे कि और भी कई चीज़ है जो उसमें उम्र बढ़ा दिया जाता है शादी करने का,
अब उस समय जो व्यवस्था थी लोग बाल विवाह भी करते थे, साथ ही साथ और भी कई काम इसने अंग्रेजों ने कर दिया था जो लोगों के धर्म में डायरेक्ट हस्तक्षेप था। जैसे ईसाई का ज़्यादा प्रचार कर रहा था, वो सबको ईसाई बनाने की कोशिश कर रहा था, ईसाई का इतना प्रचार करता था कि हालांकि एक छुपा हुआ उद्देश्य भी था अंग्रेजों का, थे तो ईसाई ही, वो चाहते थे ईसाईकरण कर दिया जाए भारत का, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईसाई बने तो ज़्यादा सही रहेगा, तो धर्म को परिवर्तन करवा रहे थे, गरीब को निर्धनों को लालच दे करके धमका के डरा के किसी भी तरह से ईसाईकरण कर रहे थे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आर्मी को जो दाढ़ी रखते थे, जैसे मुस्लिम लोग दाढ़ी रखते थे उनको भी रोक लगा दिया, पंजाबी लोग भी दाढ़ी रखते हैं आज भी रखते हैं। आप देखेंगे आर्मी में अभी भी नियम है कि कुछ धर्म के मामले जैसे पंजाबी लोगों को दाढ़ी रखना या पगड़ी रखना उनको अलाउ है, अंग्रेजों ने क्या किया था इसको बंद कर दिया था, तो धर्म में डायरेक्ट हस्तक्षेप हो गया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अब वो लोग जो है एक कानून बनाए थे अंग्रेजों ने कि आर्मी को हम जहाँ चाहेंगे वहाँ लेके जाएंगे, मतलब उनको समुद्र भी पार करवाएंगे। अब समुद्र को पार करना एक तरह से धर्म के मामले में, समुद्र को पार करने का मतलब है कि आप पाप लगेगा, समुद्र को पार नहीं करना है, वो धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ था जिसको फॉलो कर रहे थे, तो इससे भी नाराजगी बढ़ गई थी सैनिकों के बीच में। तो ये देख रहे हैं कि धर्म के मामले में लगातार हस्तक्षेप कर रहे थे। अच्छा, एक कारण ये भी था, ईसाई लोग जो है ना वो सब जगह देखे जाते थे उस समय, आप जेल में हो, स्कूल में हो, जहाँ तहाँ सब कन्वेंट बना रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा रहे हैं, ईसाई के बारे में ज़्यादा प्रचार करते हैं, और जो बहुदेववादी लोग थे जो ज़्यादा पूजा पाठ करते थे उनको वो हेय दृष्टि से देखता था, उनको बेइज्जत करता था, है ना, मुस्लिमों को भी वो बेइज्जत करने की कोशिश करता था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वो धार्मिक मामले में भी हस्तक्षेप करता था। अब देखते हैं प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक कारण क्या था, प्रशासनिक कारण, देखिए प्रशासनिक कारण में आप देखेंगे कि एक हायरार्की होता है, उस वक्त पुलिस का और आर्मी में भी हायरार्की होता था, लेकिन उस समय जो अंग्रेज भेदभाव करते थे भारतीयों के साथ, भारतीयों को कभी भी उच्च पद नहीं देते थे, उनको सूबेदार से और ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार बनाते थे या उसके नीचे ही रखते थे, वो कितना भी योग्य क्यों ना हो उसको ऊँचा पद देते ही नहीं थे, तो इससे भी नाराजगी बढ़ गई, वो भेदभाव करते थे, उनको प्रमोशन नहीं करने देते थे, प्रमोशन में भेदभाव करते थे, यहाँ तक कि उनके नियुक्ति में भेदभाव करते थे, उनके वेतन को रोक देते थे, उनके वेतन में भेदभाव करते थे, उनको कम वेतन देते थे, ये सारा चीज़ है, उनको अच्छी फैसिलिटी नहीं देते थे जो अंग्रेजों को यूरोपियंस को दिया जाता था, तो इसलिए प्रशासन में भी और प्रशासन में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार था, और ये जो प्रशासनिक अधिकारी थे अंग्रेज वो लूट रहे थे भारतीयों को, तो ये करप्शन के कारण भी न्यायपालिका और पुलिस समझिए उस समय के लिए तो कोड ही था समाज के लिए, पुलिस का काम ही था लूटना, उस समय लोगों को सिर्फ भारतीयों को लूटने के लिए ही पुलिस व्यवस्था बनाई गई थी, और भारतीयों को दबा के रखने के लिए, उनको सर नहीं उठाने दिया जाएगा, उनको आज़ाद नहीं किया जाएगा, है ना, इसके लिए ये चीज़ है, तो आपने इस कारण को भी समझा है। अब देखिए 1857 के क्रांति में कुछ बाहरी घटनाओं का भी प्रभाव पड़ा, जैसे बाहरी घटना उस समय क्या हुआ, अफगानिस्तान में और पंजाब में वहाँ पे अंग्रेज युद्ध किए थे और अंग्रेजों को काफ़ी हानि हो गई थी उससे, इससे ये पता लगा भारतीयों के अंदर में कि अंग्रेज अपराजेय नहीं है बल्कि वो पराजित भी हो सकते हैं, अगर हम संगठित होकर के और अच्छे तरीके से अंग्रेजों के साथ लड़े तो हम जरूर जीत सकते हैं। इसका भी एक असर पड़ा 1857 के क्रांति पे, और लोग उससे प्रोत्साहित हुए कि अब हम अंग्रेज के खिलाफ जरूर लड़ेंगे। साथ ही सिपाहियों के बीच असंतोष, इसके बारे में तो अभी आपको हम बता ही दिए, उनका वेतन भत्ता सही नहीं था, उनको समुद्र पार करने के लिए कहा गया जो धर्म के आधार पे उस समय ठीक नहीं था, साथ ही साथ छुआछूत उस समय भारत में थी, जाति प्रथा भी समाज में जबरदस्त थी, और अंग्रेज जो है ना सबको एक ही पालों में जोत रहा था, मतलब सबको बराबर समझ रहा था कि ये सब बराबर ही होते हैं, उनको दाढ़ी रखने पे रोक लगाया, उनको टोपी पहनने पे रोक लगा दिया, और इस तरह से वह सिपाहियों को भी नाराज कर दिया था, क्योंकि सिपाही में भी जाति प्रथा थी, जाति प्रथा बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन उस समय चल रहा था, अभी भी चलता है भारत के अंदर में, ऐसा आप देखेंगे बहुत लोग इसको नहीं मानते हैं लेकिन बहुत लोग इसको अभी भी मानते हैं, और इसके आधार पर भी लोग हत्या कर डालते हैं, ऑनर किलिंग्स वगैरह जो होती है इस तरह से होती रहती है, ये बहुत बुरी चीज़ है, आज नहीं तो कल इसको तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन यह भी एक कारण बनता है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का। साथ ही एक अफवाह उस समय क्या उड़ा था कि कुछ लोग समझते थे कि 1757 जो हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध,
उस समय कुछ ज्योतिषों ने यह अनुमान लगाया था, यह भविष्यवाणी की थी कि आज से 100 साल के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाएगा, उसका शासन समाप्त हो जाएगा और वो यहाँ से चले जाएंगे। ये अफवाह ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई भारत के अंदर विद्रोह होने में। लोगों को लगता था कि हाँ अब यही समय है, यही टाइम आ चुका है कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा जाए और अंग्रेजों के यहाँ से भगाया जाए। इससे अंदर से ही वो प्रोत्साहित हो रहे थे इस अफवाह के कारण भी। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी का तो समाप्तिकरण हो ही गया है, सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंदर में भारतीय शासन व्यवस्था चली जाती है, लेकिन भारत में अंग्रेजों का शासन समाप्त नहीं होता है बल्कि शोषण का एक नया दौर ही शुरू हो जाता है। और भी ज़बरदस्त तरीके से भारत में अंग्रेज शोषण करने लगते हैं और भारत की स्थिति को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। अगर उस समय ये विद्रोह सफल हो गया होता तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता, आज हम कुछ और ही होते। अब आप तात्कालिक कारण को समझिए। देखिए तात्कालिक कारण में चर्बी वाला कारतूस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये चर्बी वाला कारतूस ये क्या होता था? देखिए अंग्रेज सरकार ने सैनिकों के प्रयोग के लिए एक राइफल इंट्रोड्यूस किया था। पहले जो राइफल चल रहा था वो उतनी अच्छी नहीं थी, एक नया राइफल चलाया, उसका नाम था न्यू एनफील्ड राइफल्स। इसको चलाने की शुरुआत उसने की थी, लेकिन यह जो राइफल था उसके अंदर में जो बुलेट होता था उसके ऊपर एक कवर लगा रहता था और वह कवर जो है गाय और सुअर के चर्बी से बना हुआ होता था, जिसको दांत से काट करके उस राइफल में भरना पड़ता था। आपने देखा होगा बुलेट को इस तरह से होता है, ये बुलेट आपने देखा होगा इस तरह से ऐसे, ये इसमें बारूद भरा रहता है और यहाँ पे आप देखेंगे कि ज्वलनशील पदार्थ लगा रहता है। ये जैसे ही आँख पकड़ता है और ये बारूद को धक्का देता है तो बारूद तो बाहर निकल नहीं सकता है, ये चारों तरफ से बंद रहता है और यह धक्का देता है इस गोली को और ये बाहर निकलता है, ये बाहर निकल के बहुत तेज़ी से वो निशाने पे जाता है। तो आप देखेंगे कि इस उस समय लोहा इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं होता था, उस पर जंग लग जाता था और जंग लग जाए तो ख़राब हो सकता था, इसलिए जंग से बचाने के लिए उस पर कवर लगा रहता था, वो गाय और सुअर का चर्बी होता था। एक सिपाही ने इस चीज़ को देख लिया था कि कैसे जो कवर है उसको बनाया जाता है, तो ये बातें अफवाह के रूप में फैलना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये व्यापक रूप से सैनिकों के बीच में फैल गया। तो वहाँ बैरकपुर में एक 34वीं नेटिव इन्फेंट्री इसको बोलते हैं। ये क्या था, ये आर्मी का अलग अलग इन्फेंट्री होता है, जैसे एक इन्फेंट्री में लगभग 200 लोग होते हैं तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री वो बैरकपुर में था, जिसके एक सिपाही थे मंगल पांडे, बलिया का रहने वाला था, ब्राह्मण व्यक्ति था वो। और जब उसको ये बातें मालूम चली तो उसने पहले प्रूफ करने की कोशिश की, वो जाके चुपके से उसने देख भी लिया था जहाँ पे ये बनता है, उसने बिल्कुल कन्फर्म कर लिया कि ये वाकई में गाय और सुअर के चर्बी से बना हुआ है। और आपको पहले ही बताया उस समय बहुत ज़्यादा धर्म के मामले को लेकर के और जाति प्रथा बहुत ज़्यादा चलती थी। उस समय कहा गया कि बताइए गाय हिंदुओं के लिए पवित्र होता है और गाय का चर्बी अगर मुंह से काटेगा कोई हिंदू और वह भी ब्राह्मण तब तो बहुत ही मुश्किल है, उसका तो धर्म भ्रष्ट हो गया। अब ये धर्म भ्रष्ट हुआ तो भैया अब तो जीना ही बेकार है, उसको समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा, उसके हाथ से कोई दान नहीं लेगा, वह उसको समाज बहिष्कृत कर देगा, अपने समाज का अंग नहीं मानेगा। उसने देखा कि अब तो जिंदगी बर्बाद हो गया, अब क्या करे। अच्छा, ये बातें मुस्लिमों को भी पता लगी कि गाय और सुअर का चर्बी है तो मुस्लिमों के लिए सुअर हराम होता है, वो सुअर को नहीं छू सकते हैं, सुअर को वो खाने की तो दूर की बात है और उसे टच हो जाए तो नमाज तक नहीं पढ़ते हैं, है ना, तो उसको बुरा समझते हैं। अब कहा कि ये तो हमारा भी धर्म भ्रष्ट हो गया, तो सैनिकों को ये लगा कि हमें ईसाई बनाने के लिए हमारा धर्म को नष्ट किया जा रहा है, यानी कि हमारे धर्म को नष्ट करके ही ईसाई बनाया जाएगा, तो बहुत ही नाराज़गी बढ़ गई। और मंगल पांडे ने अपने बंदूक से उस समय जनरल बाघ हुआ करते थे और ह्यूशन, उसको उसने गोली मार दिया, दोनों की मृत्यु भी हो जाती है। और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को और ईश्वर चंद्र नाम का एक और व्यक्ति होता है उसको फांसी पे लटका दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। उस समय अंग्रेज बहुत ही
भयानक तरीके से निपटते थे विद्रोह से। उसको लगा कि सैनिकों के विद्रोह कर दिया तो ये दूसरे सैनिक को भी उकसा रहा है विद्रोह करने के लिए, ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है सैनिकों के द्वारा विद्रोह करना। इसलिए उसको बहुत ही जल्दी 29 मार्च को एक घटना ही हुआ और वह 8 अप्रैल को ही फांसी पे चढ़ा दिया था, वह भी सबके सामने में। इससे पहले भी कई बार सैनिकों ने विद्रोह किया था, 1857 के पहले की बात कर रहे हैं, और उस समय तो तोप से बांध के उड़ा दिया था, 30 सैनिक को उड़ा दिया था तोप से बांध करके। तो ऐसे कई बार हुआ था और बैरकपुर में ही हुआ था उससे कुछ दिन पहले, और उसके बाद ये हुआ था। ये एक समझिए कि चिंगारी के रूप में काम किया, लोग पहले से बैठे हुए थे कि कोई ऐसा चीज़ हो जो हम विद्रोह करें, और उनको मिल गया मौका, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और तब से वह चिंगारी ऐसी भड़की कि पूरे भारत न सही लेकिन भारत के एक बहुत बड़ा एरिया में, ये भारत का एक ये पूरा एरिया है, आप देखेंगे कि बिहार और पश्चिम बंगाल और यूपी का कुछ एरिया और दिल्ली का एरिया, ये खास करके नॉर्थ भारत का जो ये पूरा एरिया है, यह मुख्य केंद्र बन गया 1857 के विद्रोह का। तो हम इसको अब देखते हैं कि आखिरकार यह विद्रोह असफल हुआ कि सफल हुआ, आखिर इसको हम लोग राष्ट्रीय विद्रोह कहें कि इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहें कि इसको महज एक सैनिक विद्रोह कहें, इस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे।